अब कौन सी खिचड़ी पका रही है ये आसावरी? इतनी रात को किससे मिलने गई है? चलो वो सफेद वाले गाड़ी के पीछे चलो, चलो। हॉल, किचन, कॉरिडोर, कहीं भी नहीं आसावरी। गई कहां होगी? आत्या भाई से पूछता हूं, शायद उन्हें कुछ पता हो। आत्या भाई, आत्या भाई, आत्या भाई भी अपने कमरे में नहीं? कहीं दोनों साथ ही तो? इतनी रात के कहां गई होंगी दोनों? जरा तेज चलाओ। अरे आसावरी बहनी की गाड़ी अचानक गायब कैसे हो गई? अभी तक तो दिखाई दे रही थी। आत्या भाई, हमें लगता है आसावरी बहनी के इरादे कुछ ठीक नहीं है। हमारी गौरी की शादी में जरूर वो कुछ ना कुछ रुकावट डालेंगे। अगर उसकी चोरी पकड़ लेते ना तो आज सामने सामने उससे बात कर लेते। फिर इसकी गाड़ी कहाँ चली गई? कहाँ जाएगी? घूम फिर कर घर ही वापस आएगी। चलो घर वापस चलते हैं, सत्यजीत से बात भी कर लेंगे। एक वही है जो आसावरी को सुधार सकता है। चलो भैया वापस चलो। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। भले घर की बहू बेटियां रात को घर से बाहर कदम नहीं रखती, यही मर्यादा बड़ों ने छोटों को सिखाई। तो आज क्या हुआ, बड़ों के कदम फिसल गए या मर्यादा? छोटे जब इतनी रात को घर से बाहर पैर रखते हैं तो बड़ों को अपनी मर्यादा तोड़नी पड़ती है। मर्यादा तो कब की टूट गई, और जब मर्यादा टूट जाती है तो रिश्तों के लिहाज भी टूट जाते हैं। हाँ वो तो दिख ही रहा है, इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। इसीलिए इतनी रात गए आप घर से बाहर गई थी, है ना? आप करना क्या चाहती हैं? कहीं मेरी बेटी की शादी में कोई रुकावट तो नहीं? लो बोली अभागन कि बेटी सुहागन बनेगी या नहीं। क्यों डर गई कि माँ की छाया, माँ के अतीत का साया बेटी पे ना पड़ जाए? आसावरी, जी अत्या बाई, जंग शुरू हो चुकी है और जंग में रिश्ते नातों का कोई रंग नहीं होता। होती है तो सिर्फ जंग। जंग में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और अगर जीतना हो तो पागलों को साथ लेके नहीं चल। आसावरी काकी, बोलो गौरी। खबरदार आपने मेरी आई को पागल कहा तो। सवरी ये सब क्या हो रहा है? कहाँ गई थी आप? एक दिन नंदिता के कमरे में सोने क्या चले गए? इन लोगों ने तो तमाशा ही बना दिया। हमने आपको घर से बाहर निकलते हुए देखा था अपनी आंखों से।
प्रतीक्षा, लगता है आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। जाइए, जाके डॉक्टर को दिखाइए। मेरी आई को पागल साबित करने की कोशिश मत कीजिए आसावरी काकी। गौरी बेटा, कुछ ही दिनों की मेहमान हो इस घर में, क्यों खामखा जाते जाते बुरा बने ना बेटा। चलो नंदिता, हमें तो बड़ी नींद आ रही है, सोते हैं। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। काका, अगर आसावरी काकी ने मेरी आई के साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि वो मेरी काकी है। ये भी तो सेट करे। आहा, मेरी चतुर नार लई होशियार, दिन रात करे मेकअप और श्रृंगार। तेरा पति किसी दूसरे के बारे में सोचे और तू यहाँ अपने बाल लोचे। सासू माँ, इसे एक बात बताइए, आप हमारे कमरे में कब आई थी? जब आप अपनी नागिन जैसे लटे बना रही थी। सासू माँ, लेकिन हम जानते हैं आप झूठ बोल रही है ना, आप हमें उल्लू बना रही है ना। नहीं नंदू, हम आपको ही उल्लू नहीं बना रहे, उन दोनों को भी उल्लू बना रहे। अच्छा हुआ हमने उन्हें पीछा करते हुए देख लिया साइड मिरर से और यूटर मार के घर पे आ गए। लेकिन सासू माँ, आजकल आप इतनी ये आंखें क्यों मारने लग गई हैं? नंदू, अगर आपको आंख मारनी आती ना, तो आज आपका पति आपकी आंखों में होता। पर सासू माँ, आपने हमसे वादा किया था ना कि इनके आने पर आप इनसे। याद है नंदिता, हमें अच्छी तरह याद है। पहले गौरी की शादी में राहु केतु से बैन तो बजवा दे, फिर आपका मंगल भी करेंगे। हाय हाय मिर्ची। ये आप क्या बोल रही हैं? अगले हफ्ते का मुहूर्त ही सही है, अगले 3 दिन बहुत अशुभ है। राहु काल बैठा है, राहु काल। इस काल में कोई भी काम किया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है, मौत भी हो सकती है। तीसरे दिन का मुहूर्त भी तो निकल सकता है। नहीं नहीं, घोर अनर्थ हो जाएगा। राहु काल बैठा है, राहु काल। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। अब तो आपके राहु केतु मान जाएंगे, तीसरे दिन ही होगी शादी। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। शादी का शुभ मुहूर्त 2 दिन बाद ही है। 2 दिन बाद? हाँ, इसके बाद बहुत दिनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। लेकिन 2 दिन में शादी की तैयारी कैसे करें? ऐसे तैयारियां कर लेंगे, हमें भी तो जल्दी है ना शादी की। अजी साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलजुल के कर लेंगे। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान, इतना कम समय है हमारे पास, जल्दी जल्दी शुरू करना चाहिए शादी की तैयारियां। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन अब तो गौरी बस 2 दिनों की मेहमान है इस घर में। Thank you.
सिर्फ दो दिन बचे हैं गौरी, दो दिनों के बाद तो शादी करके यहां से चली जाएगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और ये क्या है? ये मेरी शादी का जोड़ा है और मेरा बहुत अरमान है कि यही जोड़ा पहना के तुम्हें शादी के मंडप में ले जाऊंगी। प्रतीक्षा वहनी, आप ये क्या कर रही हैं? अपनी पुरानी साड़ी आप गौरी को पिलाएंगी? इसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? नहीं गौरी, देखो मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साड़ी खरीदी है गौरी, इट्स ब्यूटीफुल, तुम अपनी शादी में वही पहनोगी। लेकिन मामा, गौरी अश्विनी सही कह रही है, ये बहुत पुरानी हो गई है, तू वही पहनेगी जो अश्विनी तेरे लिए लेके आई। तुम्हारा लाया हुआ जोड़ा पहनने से ये माँ बेटी की जोड़ी टूटने वाली नहीं है अश्विनी। आसावरी काकी, आप हमेशा रिश्ता तोड़ने का मौका ही क्यों ढूंढती रहती है? रिश्तों का तो पता नहीं कितने टूट गए हैं और अब कितने टूटने वाले हैं। अब जब भी बोलती है अशुभ ही क्यों बोलती है? अशुभ तो होता आया है इस घर में, जब से तुम्हारी माँ ने यहाँ कदम रखा। आसावरी काकी, मेरी आई के खिलाफ और एक शब्द भी मत बोलना, वरना दो दिन की जिंदगी है गौरी, अपने सारे वरना ना ससुराल जाके करना। आसावरी वहनी, बस मुझे बात तो करने दीजिए ना गौरी से। गौरी बेटा, तुझे क्या हो गया है? बस मैं ये चाहती हूँ कि तू वही साड़ी पहने जो मैं लाई हूँ तेरे लिए, और अगर ना पहने ना तो समझ लेना कि ये तुम्हारी बेटी नहीं और तुम इसकी माँ नहीं। सावरी काकी, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अब बीच में मत बोलिए। गौरी तुझे हो क्या गया है? साउथहैम्पटन में तू ऐसी नहीं थी, मेरी छोटी सी छोटी बात तो मानती थी, अरे तू बहुत बदल गई है यहाँ। मैं बदल गई हूँ? आप बदल गई है मामा। अब ये क्यों भूल जाती हो कि ये मेरी आई है? लो खत्म हो गई कहानी, हम तो बोल बोल के थक गए, आज सुन भी लिया ना। गौरी, 20 साल तक तुझे प्यार और लाड से पाला है, तूने तो बस 20 सेकंड में अपना फैसला सुना दिया कि मैं तेरी मम्मा नहीं हूँ। अच्छा मैं नहीं तेरी आई है? बोल दिया ना मम्मा, मैं कितनी खुश थी कि मुझे दो दो माओ का प्यार मिला, पर जता दिया ना आपने कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, जता दिया ना एहसान। लो रिश्ता भी खत्म, 20 साल के प्यार को एहसान का नाम मिला है। गौरी बेटा, अगर तू मुझे प्यार करती है, अगर मुझे मम्मा मानती है, तो तू वही साड़ी पहनेगी जो मैं तेरे लिए लाई हूँ। मम्मा आई ने बरसों से संभाल के रखा है ये जोड़ा मेरे लिए, इस जोड़े में इनके सपने हैं, इनका आशीर्वाद है मम्मा, प्लीज मैं यही जोड़ा पहनूंगी। अरे नहीं गौरी, तू ये साड़ी हरगिज नहीं पहनेगी। पर मम्मा। हाय सर, दो दिन बाद ही हो रही है हमारी शादी, और तुम्हें पता है अपनी शादी में मैं आई की शादी का जोड़ा ही पहनने वाली हूँ। गौरी अपने आई के लिए कुछ भी कर सकती है, और तुम देख के भी देखना नहीं चाहती।
बोला। गर्व शिंदे, दो दिन बाद निकला है मुहूर्त। तुम्हारे पास सिर्फ दो दिन है। हमें नहीं लगता कि दो दिन में तुम कुछ कर पाओगे। यह बता रही हैं या धमका रही? चेतावनी, चेतावनी दे रही हूँ। दो दिन में 200 वार करने हैं तुम्हें। अब तुम प्यार से करो या तलवार से, ये तुम जानो। दो दिन तो बहुत ज्यादा है। दो पल में होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी में बदल देगा एक गर्व शिंदे। एक अजीब अनोखी अद्भुत शादी जो ना किसी ने देखी होगी ना सुनी होगी, लेकिन अब देखेंगे। दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। गौरी, जब सिद्धार्थ की बारात आएगी जम के नाचेंगे हम लोग। ओहो, मैंने तो सुना है सिद्धार्थ जी जो कोई बहुत ही बढ़िया से डिजाइनर वाली शेरवानी पहनने वाले। तो इसमें क्या है, हमारी गौरी की शादी का जोड़ा भी कुछ कम थोड़ी होगा। अरे गौरी, लेकिन अपनी शादी का जोड़ा तो दिखाओ। हाँ हाँ। शिवांगी, मेरी आई ने अपनी शादी में जो जोड़ा पहना था ना, मैं वही साड़ी पहनूंगी। अभी दिखाती हूँ। हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, हर कदम पे खतरा है और हर कदम पे पहरा है। जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। अब क्या करना है ये मैं बताता हूँ। हमारा हर सपना, हर अरमान, हर खुशी जलाते रहेंगे। आग, हवा और पानी की कहानी बन के रह जाओगी गौरी भोसले। गौरी, ये साड़ी मैंने नहीं जलाई है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक। गौरी, मेरा यकीन करो, ये साड़ी मैंने नहीं जलाई है बेटा। बस मम्मा, ये आप ही ने किया है। Such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.